Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 14 of math subject for the class 5th, which is how big, how heavy. कितना बड़ा है और कितना भारी है. हमने ज्यादातर देखा है कि जो जो भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट है वो अगर साइज में बड़ा होता है तो उसका जो वेट है वो भी हमें भारी दिखता है. ओके, भारी लगता भी है. तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम, ओके, कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है, मेन टॉपिक. तो यहाँ पे आपने एक्टिविटी करी होगी कि एक ग्लास में पानी लिया और उसके ऊपर अगर हम स्टोन या फिर सॉइल डालते हैं अंदर, तो आपने देखा होगा जो लेवल ऑफ वाटर है वो ऊपर आता है, राइट. तो क्यों आता है? क्योंकि वो जो सैंड है या फिर पेबल्स है वो क्या करते हैं, अपनी स्पेस लेते हैं, ऑक्यूपीज करते हैं. आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी, क्या करता है, जिसको प्यास लगी होती लेकिन वो घड़े में पानी बहुत ही नीचे होता है तो क्या करता है, पेबल्स डालता रहता है, कंकड़ उसमें डालता रहता है ताकि जितना पानी है वो थोड़ा ऊपर आ जाए और वो अपनी प्यास बुझा सके. तो सेम वैसे ही यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी. ओके, तो यहाँ पे हमने क्लास फोर्थ में एक मेजरिंग बोतल बनाई थी. तो मेजरिंग बोतल आप इंजेक्शन के थ्रू भी बना सकते हो और वो जो दवाई पीने का ढक्कन आता है उसके थ्रू भी बना सकते हो. ओके, यहाँ पे देखो, ये मैंने अपने हिसाब से मेजरमेंट लिखा है जो कि वो आपका अपने हिसाब से अगर एक्टिविटी करोगे तो अलग हो सकता है. क्या है, ए बॉल इज नियरली, मतलब जो बॉल है उसका जो मेजरमेंट है कितने मार्बल्स के इक्वल होगा, तो 4 to 5 मार्बल्स के इक्वल होगा. क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग साइज के मार्बल यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो सेम नहीं हो सकते. किसी का 6 to 7 भी हो सकता है, किसी का 2 to 3 भी हो सकता है. ओके, तो ये मेजरमेंट सबका अलग अलग हो सकता है. मैंने रैंडम नंबर लिए हैं मैक्स, मतलब अंदाजन, ठीक है. यहाँ पे देखो, वही बोतल की बात की है मैंने, वही है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स, ये भी क्वांटिटी, मतलब टॉपिक इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपको समझना है कि वो टॉपिक में है क्या, ठीक है. तो अभी हम एरिया की बात करते हैं. तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया अगर वो रेक्टेंगल है, क्या, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. अब जब यहाँ पे आप आंसर लिखोगे तो यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ओके, यहाँ पे भी आपका सेम यही मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा हो सकता है. लेकिन पेरीमीटर में ऐसा नहीं था, वहाँ पे स्क्वायर नहीं लगता था. जब एरिया की बात आएगी तो आंसर में आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा. ओके, अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम में क्या है, अ स्टेज इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक. जो आपकी मैथ मैजिक बुक है वो, मतलब 5 मैथ मैजिक बुक को यूज करके बनाना है. ओके, यहाँ पे क्या किया गया, एक्टिविटी की गई है कि जो एरिया ऑफ बुक, बुक का एरिया कितना है, तो 26 into 20. क्यों किया है, क्योंकि वो एक टेबल है, टेबल पे बुक हमने इस तरह रखी गई है, ठीक है. जिस तरह जैसे कि बात करते हैं हम इस बुक की, ओके, तो ये बुक यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दूसरी जगह, यहाँ पे दूसरी एडजस्ट हो जाएगी, फिर 1 2 इस तरह एडजस्ट होगी, ठीक है. आपको सेम साइज की मैथ मैजिक बुक लेनी है तो नोटबुक है तो वो डिफरेंट साइज कवर कर रही है, लेकिन आप मैथ मैजिक बुक अपनी, मतलब मैथ्स की बुक यूज करोगे तो उसका साइज सेम रहेगा. ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है. यहाँ पे देखो, ये क्यूब दिया गया है जिसकी लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, या तो हमें उसका क्या बताना है कि अंदर कितने क्यूब होंगे. तो क्या, 7 into 7 into 7, ठीक है. तो 7 into 7 49 49 into 7 343, मतलब इतने क्यूब्स हैं. अंडरस्टैंड नाउ, यहाँ पे आपको देखो ये सॉल्व करना है, ठीक है. लेंथ विडिट
हाइट सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे उसका एरिया मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे सब जितने भी प्रॉब्लम्स है मैंने उनकी हिंट दे दी है, आपको क्या कर लेना है अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना है। इस तरह से सॉल्व करें ये। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक पोस्ट कार्ड है, उसके अलग अलग शेप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एक इस तरह सिलेंडर शेप में, एक स्क्वायर, एक ओवल और एक ट्रायंगल शेप में। तो हम उसकी स्पेस देख के बता सकते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी अंदर आ सकती है, राइट? हम कोई बॉक्स देख के बता सकते हैं ना कि उसमें कितना चीज आ सकता है उसमें। तो वही चीज है कि हमने पोस्ट कार्ड से अलग अलग शेप बनाए तो कौन सी चीज में ज्यादा आएगा। तो नंबर टू में ज्यादा, मतलब कोई भी चीज अगर हम उसमें डालेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक डाटा दिया गया है कि एक ट्रिप पे जाना है। तो अब वहां पे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स में हम हेवी बैग लेके ट्रैवल या फिर उसमें ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे पीठ पे मतलब एकदम हेवी लगता है। तो हमें जो राइस है वो 100 ग्राम, आटा है वो 100 ग्राम, पल्स है वो 1/3 लेना है हमें, ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, टी अराउंड 10 ग्राम, दलिया 4 ग्राम, साल्ट 5 ग्राम, ड्राइड ऑनियंस 10 ग्राम, ड्राइड टोमेटोस 10 ग्राम। यहाँ पे ड्राइड ऑनियन और ड्राइड टोमेटो कैसे बोल सकते हैं? तो आपको क्या करना है कि जो ऑनियन है उसको क्या करना है, सूखा लेना है। तो जितना अगर सूखा लोगे तो उसका जितना भी अंदर पानी होता है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो सूख जाएगा, उसका जो केजी है या वजन है वो कम हो जाएगा, तो हम उसे कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉल्व किया गया है कि 4-6 डे के लिए कितना, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी दी गई है, 1 डे का क्वांटिटी दिया गया है कि 1 डे में राइस इतना यूज करना है, तो हमें 4 डे का बताना है। तो 1 डे का अगर 200 है तो 6 डे का कितना मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके तो यहाँ पे हिंट है, तो आपको इसी तरह सॉल्व कर लेनी है। और लास्ट चैप्टर में हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सीखा ही है, तो उसी के थ्रू आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ताकि आप जब आपको टाइम मिले तब उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही है सेम क्वेश्चन। ओके ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टिविटी है। ओके इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 14 भी हो जाता है फिनिश। ओके तो इस चैप्टर में क्या था, हाउ बिग हाउ हैवी, मतलब क्वांटिटी के बारे में है। अगर आपके घर में कोई फ्लाइट से ट्रैवल करता है तो आपने देखा होगा वो अपने लगेज को क्या करते हैं, वजन करते हैं कि ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सामान ले जाना अलाउ नहीं होता है। ओके तो इसी के साथ चैप्टर हो जाता है फिनिश। ओके देन जो भी आपको डाउट हो इस चैप्टर में या तो इसके पहले जितने भी चैप्टर समझाए 1-14, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।